हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मच डिशेस। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस, बिल्कुल ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर की सब्जी, जो झटपट से बन के तैयार हो जाती है और खाने में तो बहुत ज्यादा डिलीशियस लगती है। आप देख सकते हैं, देखने में ही बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगती है, बिल्कुल मुंह में पानी आ जाने वाली। तो चलिए फिर बनाते हैं। ये भी हमने 200 ग्राम के करीब पनीर लिया है। इसको इस तरह से क्यूब में छोटे छोटे कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। ये हमने कढ़ाई मसाला लिया है, तो इसको पैन में डाल के अच्छे से 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जब तक इसमें एक बढ़िया से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए भुनी हुई। तो ये भी आप देख सकते हैं, बढ़िया से ये रोस्ट हो चुका है। अब इसको एक हल्का सा ठंडा करके जार में डाल के ट्रांसफर करके इसको बढ़िया से फाइन पाउडर बना के तैयार करेंगे इस तरह से। ये देखिए, फिर पैन में लिया है 1 क्यूब बटर, फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल जिससे कि बटर जले ना। फिर अपने पनीर को डाल देंगे और डालने के बाद इसको हल्का ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, अब पनीर हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। फिर उसी पैन में ये डाइस किए हुए हमने प्याज और कैप्सिकम लिए हैं, इसको भी हल्का सा 2 से 3 सेकंड तक हाई फ्लेम पे सौटे कर लेंगे इस तरह से। तो ये भी आप देख सकते हैं, प्याज भी डाल दिया, इसको भी हल्का सा सौटे करेंगे। पहले हमने कैप्सिकम डाला था, नहीं तो प्याज ज्यादा सौटे हो जाता है, फिर वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इसको इस तरह से हम रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से सौटे हो चुका है, इसको भी निकाल लेंगे। फिर पैन में डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ एक मीडियम साइज का प्याज, इसको भी लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून जिंजर का पेस्ट, 1 ग्रीन चिली बारीक चॉप की, इसको भी बढ़िया से पका लेंगे अच्छे से, जब तक कि गार्लिक और जिंजर का कच्चा सा जो फ्लेवर होता है वो ना निकल जाए इस तरह से। 2 से 3 मिनट लग जाएंगे पकने में इस तरह से। ये भी आप देख सकते हैं अच्छे से पक चुका है। अभी हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी ली है, इसको भी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद फिर इसमें डालेंगे बस बेसिक मसाले जो होते हैं। ये हमने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, फिर इसमें रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, सारे मसाले ले लिए। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर मसालों को तब तक पकाएंगे जब तक मसाले हमारे ऑयल रिलीज ना कर दें इस तरह से। तो ये भी आप देख सकते हैं, मसालों ने ऑयल रिलीज कर दिया है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के मलाई, ये फ्रिज की निकाली हुई तुरंत मलाई है, इस वजह से जमी हुई। इसको इस तरह से अच्छे से मेल्ट करते हुए इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो पहले से फेट करके भी इसको ले सकते हैं। तो ये भी हमारी मिक्स हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे पनीर जो हमने फ्राई करके रखे थे, फिर फ्राई किए हुए प्याज और कैप्सिकम डाल देंगे। फिर उसके बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें डालेंगे पानी, आप अपनी ग्रेवी के अनुसार डाल सकते हैं। ये हमने 80 ml के करीब पानी डाला है, इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर उसको कम से कम ढक के 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। इसमें अब डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के कढ़ाई मसाला जो हमने बनाया था। फिर 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पका देंगे इसको। अभी 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, देखने में भी कितनी प्यारी लग रही है सब्जी, और खाने का तो देखते ही मन कर जाएगा। इस तरह से बनाएंगे। फिर इसमें एक हरी मिर्च बीच से कट करके डालेंगे, फिर हरा धनिया और कसूरी मेथी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये भी हमारी कढ़ाई पनीर की सब्जी बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनके तैयार हो चुकी है। अगर आप रोज रोज वही मटर पनीर की सब्जी बना के बोर हो चुके हैं खा के, तो आप एक बार इस तरह से कढ़ाई पनीर की सब्जी बना के ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। और फिर आप हर बार इसे ही बना के खाना पसंद करेंगे, और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगती है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं नई रेसिपी।